दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है, वो कैपिटल हमारे भुवनेश्वर में रहता है और साल में एक दो बार ही आता है। तो अभी आया है और मिलने के लिए बुलाया है, तो उसके घर जाएंगे, नया घर बनाया है, घर भी देखने लेंगे। अभी हम उसके घर आ गए हैं, चलो बेल मारते हैं। आ धीरु दोस्त, की हाल है? वेलकम टू आवर होम। चलो तुसु आंटी नमस्कार। भले था बेटा, कृति खुश रहो। घर तो बढ़िया बन जाओ, बहुत ही शानदार घर बन रहा है गाइस। अभी हम आ गए हैं गाइस और बैठे हैं ये तीनों भाई, और घर तो बहुत शानदार बना है। अभी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। अब आंटी कुछ बना रहे हैं खाने के लिए, तो देखते हैं क्या है। कुछ हेल्दी बना रहे होंगे आंटी, बना रहे हैं तो ये कुछ गाइस। अभी तीनों आ गए हैं खाने के लिए अभी, और आंटी ने ये दिए हैं सेमिया पुलाव और स्प्राउट्स, और अभी खा लेते हैं, फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम ये मास्टर बेडरूम का शूट कर रहे थे, और यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, देख रहे हो गाइस कितना ही अच्छा बढ़िया दिख रहा है। ये दो लाइन वाला स्विच का सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे हाँ, ये इस बारे में बताता हूँ। अब ये फैन और लाइट दोनों का स्विच है, आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, और अगर आप बेड पे आ गए और यहाँ पे बैठे हैं तो आप यहाँ से भी उसको ऑफ कर सकते हैं। अरे नहीं, यहाँ से हो बाबा, इधर आओ। चाहो रेडी स्टडी पोम कहो, ये लेट कर सो यार, ये इतना गोहले हो रहे हैं कि हमारे जो चिलिका से पक्षी आए थे सब उड़ गए। गाइस अभी हम आ गए हैं छत पर, और ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है। और मेरे दोस्तों का ये मानना है कि यहाँ पे चिलिका से बाहर आते हैं, और इसके बारे में सिर्फ उन्हीं को पता है। अभी आज का होम टूर अभी खत्म हो गया है गाइस, और होम टूर जो पूरा है वो मेरे चैनल में नहीं दिखेगा। मेरे चैनल में ब्लॉग मेरा हो तो दिख जाएगा, लेकिन पूरा होम टूर का ब्लॉग जो है वो इसके चैनल में दिख जाएगा। इस नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फॉलो कर लीजिएगा, सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतने बड़े नल्ले हैं ये। तो वीडियो जरूर देखिए, और बहुत ही कोशिश किया गया कि घर को बहुत ही सिंपल रखा जाए, और घर छोटा चाहे हो लेकिन सुंदर होना चाहिए। घर कम्प्लीटली वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाया गया है, और घर बनाने से पहले माँ ने मिनिमम 5 से 6 महीने तक उसके ऊपर स्टडी किया था, और बहुत ही ध्यान से बारीकी से इस चीज़ को ध्यान दिया गया है घर बनाते वक्त। और
आप वीडियो जरूर देखिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ मेरा भी। गाइस घर बहुत ही शानदार बना गया है, बहुत ही प्लानिंग के साथ स्ट्रक्चर कलर बहुत ही प्लानिंग किया गया है। आप देख लेंगे पूरा ब्लॉग इसके चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन में तो दे दूंगा, वो देख लेंगे। और इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। सो टाटा बाय बाय।